Assalamu alaikum, my dear students, how are you? I hope you are fine and enjoying good health. Students, let's start our today's lecture. It's class 5, subject English and page number 8. So 5 class, please open your books and page number 8. Today we are going to read exercise and its part, verbs and adverbs. Words and adverbs जो हैं ये हमने previous lecture में पढ़ा था कि verb क्या होते हैं और adverb क्या होते हैं. अब इसमें उन्होंने हमें पूछा है कि find 6 interesting verbs and 6 interesting adverbs in the story. अब जो हमने lesson पढ़ा था the world in a wall, तो इसमें से हमने find करना है कि story में 6 verbs हमने find करनी है और 6 adverbs find करनी है. तो previous lecture में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था verb और adverb को और इसकी examples भी दी थी. तो अब ये आपका एक होमवर्क है, ये आपने खुद फाइंड करनी है अपने स्टोरी में से, अपने लेसन में से 6 वर्ब्स और 6 एडवर्ब्स, इनको अलग अलग करके लिख लेना है. ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट समझ लें बल्कि इसे. नेक्स्ट है इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस भी हमने पढ़ा था कि वो होते हैं इंटरजेक्शंस जो कि हमारी फीलिंग्स को, इमोशन को, हमारे एंगर को, डिलाइट को शो करते हैं और इनके लास्ट पे या तो फुल स्टॉप, यानी कि फुल स्टॉप काफ़ी सारे आते हैं, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, तो इसकी ये भी निशानी होती है. तो इसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं इसकी, वो हमने जैसे कि हुर्रा, आउच, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. नीचे है अंडरलाइन द इंटरजेक्शंस इन द फॉलोइंग. अब उन्होंने हमें 4 सेंटेंस दिए हैं, अब इसमें से हमने खुद इंटरजेक्शंस फाइंड करने हैं कि इसमें से इंटरजेक्शंस कौन कौन से हैं. तो ये देखें, ये वाले सेंटेंसेस देखें गौर से. इसमें फर्स्ट सेंटेंस है व्यू दैट वाज अ गुड रन. अब इसमें से आप देखें कि इसमें इंटरजेक्शन कौन सा है. इसमें फर्स्ट वर्ड व्यू, ये इसके एंड पे एक एक्सक्लेमेटरी साइन है इस वर्ड के बाद, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरजेक्शन है. नेक्स्ट में है वी हैव लॉस्ट द बैटल अलास, यानी कि इसमें एक दुख का एहसास इजहार किया हुआ है, तो अलास के बाद भी एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो अलास जो है वो उसकी सैडनेस को शो कर रहा है, तो इसमें अलास ये इंटरजेक्शन आएगा, तो आपने अलास को अंडरलाइन कर देना है. थर्ड देखें आउच, व्हाट अ स्मेली ड्रेन. इसमें भी जो आउच है ये शो कर रहा है उसकी फीलिंग्स को, तो यू जी एच आउच, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, इसमें इंटरजेक्शन ये है. फोर्थ सेंटेंस देखें हुर्रा वी हैव वन द मैच, यानी कि इसमें भी एक खुशी का इजहार है, तो इसमें जो इंटरजेक्शन है वो है हुर्रा, फर्स्ट ही वर्ड है सेंटेंस का, तो आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है. नेक्स्ट पार्ट पे हैं 5 पार्ट, फाइंड 3 इंटरजेक्शंस इन द स्टोरी. अब हमने ये जो 4 इंटरजेक्शंस को अंडरलाइन किया है, इनके अलावा हमने स्टोरी में फाइंड करने हैं कि इसमें कौन कौन से इंटरजेक्शंस आए हैं. सिर्फ 3 आपने लिखने हैं, तो वो भी आपका ये असाइनमेंट है आपकी ही कि आपने आज के लेक्चर में ज़्यादा काम आपका है, आपने इसको ज़्यादा ढूंढना है, तो आपने इसको खुद फाइंड करना है कि कौन से 3 इंटरजेक्शंस इसमें स्टोरी में आपके यूज़ हुए हैं. 6 पार्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ एनी अदर इंटरजेक्शंस दैट यू कैन थिंक ऑफ. अगर इनके अलावा अगर आपको कोई इंटरजेक्शन लगता है कि कोई और भी आ सकता है, तो वो भी आपने लिखना है उसके साथ लेसन में से फाइंड करके 3. उसके बाद अगर आपके माइंड में और कोई इंटरजेक्शंस आते हैं कि इनके अलावा ये भी इंटरजेक्शंस हो सकते हैं जो आपने अपनी डेली लाइफ में सुने हों या आपको पता हो, तो वो भी आपने लिखने हैं, हर किसी ने अपने अपने लिखने हैं. नेक्स्ट है वर्क इन अ पेयर एंड टेक टर्न्स टू आस्क ईच अदर सम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर ईच अदर इन डिटेल, लिसन टू योर क्लासमेट्स, आंसर केयरफुली, यू कैन हेल्प योर क्लासमेट गिव डिटेल्स बाय आस्किंग देम अबाउट देयर रिस्पॉन्स. तो आप लोग अब यहाँ पे तो नहीं है कि जो आपके पेयर्स बना के आपको ग्रुप्स में इसकी स्टडी करवाई जाए, तो ये भी आपने होमवर्क में ही लिखना है. ये आपके लिए एक टास्क है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हर किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लिखना है, अपने ख्याल का इसमें आपने इजहार करना है, और इसमें इससे आपकी एबिलिटी भी क्रिएट होगी आप में खुद से लिखने की, सोचने की. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एनिमल आर यू मोस्ट लाइक व्हाई, यानी कि कौन सा जानवर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और अगर कोई जानवर आपको पसंद है तो वो क्यों पसंद है, तो ये आपने लिखना है. किसी को डॉग पसंद होते हैं, किसी को कैट्स पसंद होती हैं, तो आपने जो जानवर आपको पसंद है आपने उसके बारे में लिखना है कि मुझे ये जानवर पसंद है, और उसके आगे रीज़न भी लिखनी है कि वो किस वजह से आपको पसंद है. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट एनिमल आर यू फ्राइटेंड ऑफ,
वाई, कौन सा ऐसा जानवर है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, और उसके रीजन भी लिखनी है कि क्यों डरते हैं। कुछ जो हैं वो छिपकलियों से बहुत डरते हैं, कुछ स्नेक से डरते हैं, तो आप जिस जानवर से डरते हैं आपने उसके बारे में लिखना है कि आप किससे डरते हैं और क्यों डरते हैं। थर्ड है, व्हाट शुड वी डू टू सेव इनडेंजर्ड स्पीशीज। इनडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जो जानवर वगैरह खतरे में हैं, यानी कि जिनको शिकार लोग ज़्यादा करते हैं, जो नापैद हो रहे हैं शिकार की वजह से या वैसे किसी रीज़न की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो उन्होंने पूछा कि उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप को कोई ऐसा जानवर पता है जो कि इंडेंजर्ड है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप चीते के बारे में लिख सकते हैं, और भी कई जानवर हैं जो कि नापैद हो रहे हैं, तो आप उनके बारे में जो आपको जानवर याद है जो आपको पता है तो आप उसके बारे में लिखें। नेक्स्ट है, आर देयर एनी एनिमल्स दैट वी शुड ट्राई टू किल ऑफ कम्प्लीटली, वाई और वाई नॉट। वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा जानवर है जिसे हमें मुकम्मल तौर पे दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, अगर है तो हमें उसे क्यों मारना चाहिए या क्यों नहीं मारना चाहिए। तो ये भी आपने लिखना है कि कौन सा जानवर आपको लगता है, अगर आपको कोई जानवर बुरा लगता है या जिससे आप डरते हैं आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए। तो आपने फिर उसकी रीज़न भी लिखनी है कि क्यों ख़त्म करना चाहिए, हमें डर लगता है उससे इसलिए ख़त्म कर देना चाहिए, या वो इंसानों के लिए डेंजरस है, तो वो आपने उसकी रीज़न लिखनी है, जो भी आप लिख सकें। विच थ्री एनिमल्स ट्रेट्स वुड यू मोस्ट लाइक टू हैव एंड वाई। कौन सी ऐसी तीन खसूसियात हैं किसी भी जानवर की जो आपको पसंद हैं और क्यों पसंद हैं। आपको अगर रैबिट पसंद है, रैबिट की करेक्टरिस्टिक्स पसंद है तो आप वो लिख सकते हैं। कैट की पसंद है, डॉग की, डॉग फेथफुल एनिमल है एक, अगर आपको वो पसंद है आप उसकी तीन करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। तो ये भी आपने, जो आपको किसी जानवर की तीन खसूसियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं आपने उसी जानवर के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्वीटेस्ट एनिमल यू कैन थिंक ऑफ। कौन सा ऐसा जानवर है जो आप समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट है, सबसे ज़्यादा प्यारा है। अब देखें, जैसे कि रैबिट बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, किटन छोटी सी बहुत खूबसूरत होती है, तो आपने उसके बारे में जो आपको, या अगर आपको कोई और पसंद है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि ये जानवर बहुत ज़्यादा प्यारा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लीस्ट अट्रैक्टिव। और कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा कम अट्रैक्टिव है, जो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। तो आप लिज़र्ड लिख दें, छिपकली खूबसूरत नहीं होती, बहुत बदसूरत होती है। स्नेक लिख दें, तो ऐसा कोई भी जानवर जो आपको बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगता आप उसके बारे में लिखें। नेक्स्ट है, एक्सेप्ट फॉर फूड डू ह्यूमंस नीड अदर एनिमल्स। यानी कि खुराक के अलावा क्या इंसानों को दूसरे जानवरों की ज़रूरत होती है। अब जानवरों की को हम खुराक के तौर पे भी तो यूज़ करते हैं, जैसे कि चिकन है हम उसको खुराक के तौर पे यूज़ करते हैं, और गोट है या बफलोस हैं, काउज हैं, हम उनका गोश्त खाते हैं, तो हम उनको एज ए सोर्स ऑफ फूड हैं ये वो हमारे लिए, तो हम उनको फूड के तौर पे खाते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं खाने के अलावा क्या हमें उसकी उनकी ज़रूरत है, अगर हम उनको ना खाते होते गोश्त उनका जानवरों का तो क्या हमें उनकी ज़रूरत थी, वाई और वाई नॉट। तो ये भी आपने लिखना है कि हमें उनकी अगर ज़रूरत है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। नेक्स्ट है, वाई डू ह्यूमंस हैव पैट्स। यानी कि इंसान जो हैं ये पैट्स क्यों रखते हैं। किसी ने छोटा सा पप्पी रखा होता है घर में, या डॉग रखा होता है, किसी ने कैट रखी होती है, लोगों को शौक होता है पैट्स पालने का। तो वो कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं ये पैट्स क्यों रखते हैं। डू यू हैव अ पैट, क्या आपके पास कोई पैट है, वाई और वाई नॉट, क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जिसके पास जो पैट है आपने उसके बारे में लिखना है कि आपके पास फ्लां पैट है, आपने इसलिए लिखा रखा है, आपको उसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स अच्छी लगती हैं, आपको वो क्यों अट्रैक्टिव लगता है। और अगर आपने नहीं रखा तो भी आपने रीज़न रखनी है कि आपने लिखनी है कि क्यों नहीं आपने पैट रखा। तो जिसके घर में जो भी पैट है उसने उसी के बारे में लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पे आ जाएं। यहाँ है मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स दिए हुए हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। बॉक्स जेलीफिश है, गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग है, फनल वेब स्पाइडर है, ब्लैक मम्बा है, हिपोपोटैटोमस है, कैसोवेरी और मॉस्किटो। बाकी तो कुछ डिफ़िकल्ट हैं, आपको नहीं पता होगा इनके बारे में या आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मॉस्किटो के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जैसे कि आजकल अब
गर्मियाँ हैं तो मॉस्किटोज जो हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, मच्छर हमें बहुत काटते हैं गर्मियों में, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा ईजी है। तो आपने इसके बारे में लिखना कैसे है, प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन कवरिंग द पॉइंट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने इन्हीं के मुताबिक उसको लिखना है, यानी कि अगर आपने मॉस्किटो लिया है, आपने इस पर प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो आपने लिखना है कि व्हाट मेक्स इट डेंजरस टू ह्यूमंस, यानी कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसानों के लिए ख़तरनाक है। अगर आप लिख रहे हैं मॉस्किटो के बारे में, तो अगर आप मलेरिया के मॉस्किटो के बारे में लिखें, तो आपने लिखना है कि कौन सी चीज़ है इसमें जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस है। तो ये एक हमें पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो इंसान के जिस्म में चला जाता है किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो के ज़रिए, तो ये हमारे लिए क्यों नुकसानदेह है, क्योंकि अगर ये हमें मॉस्किटो काट दे, बाइट कर दे, तो हमें बुखार हो जाएगा और फिर हमें उसकी मेडिसिन के कोर्स करने पड़ेंगे, मेडिसिन खानी पड़ेंगी, तो इंसान जो है ये बीमार हो जाता है इससे। तो आपने इसके बारे में ये लिख सकते हैं व्हाट इट लुक्स लाइक, फिर आपने इसकी अपेयरेंस के बारे में लिखना है कि ये किस तरह का दिखाई देता है। अगर आप मॉस्किटो के बारे में लिख रहे हैं, तो आपने लिखना है कि वो कैसा, उसकी अपेयरेंस कैसी है, फ्लाइज लाइक होता है वो, उसकी लिम्स लिखनी है, लिम्स कैसी हैं, हॉर्न्स हैं तो कैसे हैं, टेल है तो कैसी है, क्लॉज हैं तो कैसे हैं, उसका कलर कैसा है, साइज़ कैसा है। तो अगर आप मॉस्किटो के बारे में लिख रहे हैं, तो मॉस्किटोज़ जो होते हैं उनके कलर डिफरेंट होते हैं, साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, तो आपने उनके बारे में, उनके अपेयरेंस के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है वेदर इट हैज़ अ बैकबोन और स्केल्टन और समथिंग एल्स, यानी कि अगर आप किसी भी जानवर के बारे में लिख रहे हैं, तो आपने लिखना है कि क्या उसकी बैकबोन है या उसका कोई स्केल्टन है, जैसे कि ह्यूमंस का स्केल्टन होता है, या उसमें कुछ और चीज़ है, कि ना उसमें बैकबोन है ना स्केल्टन है, तो फिर उसमें जो चीज़ होगी आपने वो लिखनी है। नेक्स्ट है वेदर इट्स यंग आर बोर्न और हैच फ्रॉम एग्स, फिर आपने उसकी पैदाइश के बारे में लिखना है कि क्या वो पैदा होता है या वो अंडों से निकलता है। तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो अंडों से निकलती हैं और कौन सी चीज़ें वैसे पैदा होती हैं। तो आप जिस जानवर के बारे में भी लिखेंगे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन तो होगी, जाहिर है जब आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप लिखते हैं। तो आपके पास जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, आपने उसी चीज़ के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इट्स माउथ इज़ लाइक, यानी कि उसका माउथ, मुंह उसका कैसा है, व्हाट इट ईट्स और वो खाता क्या है। अगर आप मॉस्किटो के बारे में लिख रहे हैं, तो वो क्या खाता है, वो खाता नहीं है, पीता है, और ह्यूमन्स ब्लड को वो सक करता है, इंसानों का खून पीता है, तो आपने वो लिखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट है एंड एनीथिंग एल्स यू कैन फाइंड आउट, अगर वो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर इनके अलावा उसमें कोई करैक्टरिस्टिक है जो यहाँ पे नहीं है पूछी गई, तो आप वो भी लिख सकते हैं उसके बारे में, यानी कि उसकी उसकी शेल्टर के बारे में लिख सकते हैं कि वो कहाँ पे रहता है। मॉस्किटोज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर डर्टी जो होती हैं थिंग्स होती हैं उन पे बैठते हैं या कुछ पानी पे रहते हैं, तो आपने उनके बारे में लिखना है। इनमें से जो जानवर आपको, जिस जानवर के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप उसके बारे में लिखिए। अगर आपके पास किसी के बारे में भी नहीं है, तो आप मॉस्किटो के बारे में लिखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आम है। तो आपने, ये आपकी एक असाइनमेंट है, आपने इसको हर चीज़ को अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में लिखना है, और लिख के आपने इसको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करके इसकी एक पिक बना के स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है, ताकि मैं देख लूँ कि आपने ठीक लिखा है या गलत लिखा है, तो मैं आपको फिर वो बता दूँगी उसके बारे में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आपका इसके बारे में, या कोई चीज़ आपको ना समझ आए, लिखने में कुछ ना समझ आए, तो वो भी आप स्कूल के नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, फिर मैं वो आपको दोबारा समझा दूँगी और उसके बारे में बता दूँगी। तो आज हमारा फर्स्ट लेसन जो है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट हम सेकंड लेक्चर में सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। आपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो सी यू सून स्टूडेंट्स विद द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।